नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 14 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अभी ठंड का असर यूं ही रहेगा बरकरार। ठंड के इस बढ़ते असर ने आम जनजीवन को परेशान कर रखा है। पछुआ हवा के कारण तो मौसम में कनकनी का असर काफी ज्यादा बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी पर हुई बर्फबारी के कारण आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे का असर भी देखने को मिलेगा। बिहार के न्यायालयों में ई स्टैम्प की सेवा हुई शुरू। पटना हाईकोर्ट समेत राज्य के अन्य अदालतों में सोमवार से ई स्टैंपिंग की सुविधा शुरू हो चुकी है। यानी कि अब से सभी अदालतों में जहां से ई कोर्ट फीस की बिक्री की जाती थी, वहीं से वेलफेयर स्टैंप की बिक्री की जाएगी। खबरों की माने तो बिहार स्टेट बार काउंसिल ने यह कदम ई वेलफेयर स्टैंप की बिक्री शुरू होने से इसकी जगह पर दूसरे स्टैंप की बिक्री शुरू होने के कारण उठाई है। वहीं इस बाबत बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर का यह कहना है कि इस स्टैंप के आने के बाद से लोगों को ज्यादा सुविधा मिल जाएगी। भागलपुर के इस छत पर एक साथ उगाए जा रहे हैं 20 प्रकार के टमाटर। जी हां, आपको यह सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी, मगर यकीन मानिए यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच है। भागलपुर के नीलकंठ नगर के रहने वाले ज्ञानेश्वर प्रसाद मंडल के छत पर विभिन्न तरह के टमाटर के पेड़ को देखकर आप यकीनन आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ज्ञानेश्वर प्रसाद मंडल ने तो अपनी छत पर ही मिनी किचन गार्डन खोल रखा है, जहां पर लाल चेरी टमाटर, पीली चेरी टमाटर, कवर्ड टमाटर, इसराइल की खजूरी टमाटर, सिंगापुरी आदि प्रकार के टमाटर आपको देखने को मिल जाएंगे। मैट्रिक के प्रवेश पत्र में अगर फोटो में है गड़बड़ी तो जल्द ही कर ले ठीक। बिहार बोर्ड में जल्द ही मैट्रिक परीक्षा का आयोजन होने वाला है। परीक्षा शुरू होने से पहले बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों से अपने एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की त्रुटि को सुधार करने की अपील की है। इतना ही नहीं, बिहार बोर्ड ने यह भी साफ कहा है कि परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में अपनी फोटो पर खास ध्यान रखें और अगर किसी भी तरह की कोई गलती है तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र सुधार कर लें। BAU ने विकसित की बैगन की सदाबहार वैरायटी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भागलपुर दौरे पर कृषि विभाग के स्टॉल का जायजा लिया था, जहां पर उन्होंने BAU के छात्रों द्वारा विकसित किए गए बैगन का आकलन किया था। वहां मौजूद अधिकारियों का कहना है कि यह बैगन सदाबहार है, जो कि सालों भर खेतों में फलता फूलता नजर आएगा। न ही इसके स्वाद में कोई बदलाव आएगा और न ही इस बैगन का रंग रूप बदलेगा, जो कि किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बेहद ही कारगर साबित होगा। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल की छुट्टियों की अवधि बढ़ी। ठंड का असर बरकरार है, ऐसे में बिहार सरकार ने स्कूली छात्रों को राहत देते हुए अब सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। पटना और मधुबनी जिले की बात करें तो इन दोनों ही जगहों पर जिलाधिकारियों ने कक्षा 5 तक के छात्रों का स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत पटना के सभी स्कूलों को 14 तारीख तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। वहीं मधुबनी में ठंड को देखते हुए 16 तारीख तक विभिन्न स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मंदार महोत्सव का आज होगा उद्घाटन। 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन से शुरू होने वाले मंदार महोत्सव का उद्घाटन आज होगा, जिसका उद्घाटन सांसद गिरिधारी यादव की अध्यक्षता में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल दीप प्रज्वलित करके करेंगे। इतना ही नहीं, महोत्सव के उद्घाटन के साथ ही यहां पर घूमने आने वालों का आना जाना शुरू हो जाएगा। महोत्सव के पहले दिन कई बॉलीवुड कलाकारों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा, जिसके तहत पहले दिन इस महोत्सव का हिस्सा बने इंडियन आइडल के अमित सना और आकांक्षा शर्मा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। बिहार बोर्ड के प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है, जो कि अब सभी परीक्षार्थी biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना ID पासवर्ड फिल करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार बोर्ड का यह प्रैक्टिकल एग्जाम 20 से 22 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। झारखंड से बिहार आने वालों को इन 5 रूटों में मिलेगी बस। झारखंड से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। अब झारखंड से बिहार आने वाले यात्रियों को आसानी से बस की सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि परिवहन विभाग ने अब झारखंड और बिहार को जोड़ने वाले 5 रूटों पर 20 नई बसों के परिचालन की शुरुआत की है, जिससे कि अब यात्रियों को भी सफर करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। भूजल की बर्बादी पर सरकार की होगी नजर। जहां एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी प्रतिबद्धता से जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, उसी क्रम में अब बिहार सरकार भूजल की हो रही बर्बादी पर भी सख्ती से पेश आने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसका ऐलान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में भूजल रिचार्ज और जल संरक्षण जरूरी है, क्योंकि इस समय में भूजल की बर्बादी बहुत ज्यादा हो रही है, जिस पर रोकथाम लगाने के लिए बिहार सरकार को आगे आना बेहद ही जरूरी है। बिहार म्यूजियम घूमने के बाद फागु चौहान ने कही ये बड़ी बात। राज्यपाल पहली बार बिहार म्यूजियम का दौरा करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने म्यूजियम का अवलोकन किया और उसकी खूब प्रशंसा भी की। इतना ही नहीं, राज्यपाल फागु चौहान ने बिहार म्यूजियम घूमने के बाद विजिटर्स बुक पर साइन करते हुए लिखा है कि यह म्यूजियम बेहद ही अद्भुत और गौरवशाली है।
बिहार लघु सिंचाई MWRD JE ने निकाला अपना ऑनलाइन फॉर्म। बिहार लघु सिंचाई MWRD ने जूनियर इंजीनियर के कुल मिलाकर 200 पदों पर रिक्तियों की मांग की है, जिसके आवेदन की प्रक्रिया 8 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो कि 31 जनवरी तक जारी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार लघु सिंचाई MWRD जूनियर इंजीनियर पद के लिए आवेदन भरने वाले बिहार के आवेदनकर्ताओं को कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करवाना होगा। वहीं इन पदों के लिए उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, वहीं अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार MWRD के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही तमाम जानकारियां भी ले सकते हैं। बेगूसराय के नौलखा मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में बात अगर पर्यटन की हो तो उसमें मंदिरों की बात ना की जाए ये तो हो नहीं सकता। इसी तरह बेगूसराय भी अपनी धार्मिक पहचान के लिए विख्यात है। यहाँ का नौलखा मंदिर बिहार के प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। जानकारी के अनुसार इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में महंत दास ने किया था, जिसे फिर 1953 में संत महावीर दास ने इसे और आकर्षक एवं सुंदर बनाया। मंदिर प्रबंधकों का दावा रहा है कि उस वक्त देश में शीशे की खूबसूरत कलाकृति पेश करने वाली यह पहली मंदिर थी। मंदिर की सुंदरता और डिजाइन की प्रसिद्धि की वजह से लोग यहां दूर दूर से आते हैं। BAU सबौर अपनी योजनाओं से बदलने जा रहा है किसानों का भाग्य। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के उत्थान के लिए रफ्तार नामक योजना का शुभारंभ किया गया है। BAU के एक अधिकारी की माने तो BAU किसानों तक अपनी योजनाओं को आसानी से पहुंचाने के लिए इस राष्ट्रीय विकास योजना पर काम कर रहा है, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया है। BAU का मानना है कि उसकी इस नई योजना से कई किसानों को काफी हद तक सहायता मिलेगी। ईस्टर्न इंडिया पावरलिफ्टिंग में चमके बिहार के सितारे। ईस्टर्न इंडिया पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी देखने लायक रहा, जहां पर अब तक 59 किलोग्राम वर्ग के गोविंद कुमार ने 602.5 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 66 किलोग्राम श्रेणी में मनीष कुमार ने 547 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम दर्ज किया है। इतना ही नहीं, 66 किलोग्राम के श्रेणी में ही बिहार के अजय ने रजत पदक अपने नाम दर्ज किया है। SBI ने क्लर्क पद के लिए निकाली रिक्तियां। SBI ने जूनियर एसोसिएट पद के लिए 8,134 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। वहीं इन पदों पर आवेदन भरने के लिए अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए, वहीं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो UR, OBC, EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को 750 रुपए देने होंगे, वहीं SC, ST, PWD, XS को 125 रुपए देने होंगे। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 26 जनवरी तक sbi.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। माधवराव सिंधिया अवार्ड से सम्मानित हुए आशुतोष। बई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें तमाम दिग्गज क्रिकेटरों का सम्मान किया गया। BCCI का यह कार्यक्रम रविवार 12 जनवरी की शाम को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कुल 25 दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसमें एक क्रिकेट संघ भी शामिल है। इतना ही नहीं, आयोजित इस कार्यक्रम में रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के आशुतोष अमन को माधवराव सिंधिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान के साथ साथ आशुतोष को 2.5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा गया। SC ST आरक्षण संबंधी विधेयक को मिली मंजूरी। बिहार सरकार द्वारा एक दिवसीय बुलाए गए विधानसभा विशेष सत्र में कई सारे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत का दौर चला, जहां एक ओर विपक्ष हर बार सरकार की नीतियों में खामियां तलाशती रहती है, वहीं इसके उलट कल सदन में SC ST आरक्षण संबंधी विधेयक पर सभी पक्षों के नेताओं ने सहमति जताकर मुहर लगा दी है, जिसके तहत अब SC ST के संसदीय व्यवस्था में 10 साल के लिए आरक्षण देने पर मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में आए सभी दलों को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी कहा है। राजद के आपसी बिफरेपन के बीच पप्पू यादव ने फेंका अपना पासा। इस चुनावी साल में सभी राजनीतिक दलों में सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी का माहौल जारी है। हालात तो यह है कि राजद पार्टी के अंदर खाने में ही विरोध की प्रवृत्ति चालू हो गई है। इसी क्रम में अब जा प्रमुख पप्पू यादव ने बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया है। आपसी बहसबाजियों से अवगत होते हुए पप्पू यादव ने यह कहा है कि जन अधिकार पार्टी इसी शर्त पर अपना समर्थन राजद को देगी जब मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी नहीं बल्कि रघुवंश बाबू होंगे। विधानसभा में NRC के विरोध में दिखे मुख्यमंत्री नीतीश। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में CAA लागू कर दिया, वही CAA जिसके कारण कई दिनों तक लोगों का विरोध चलता रहा, मगर नतीजा आपके सामने है। इसी बीच CAA का समर्थन कर रहे कुछ नेताओं ने NRC के मुद्दे पर अपना समर्थन खींच लिया है। उन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने केंद्र सरकार के CAA का पुरजोर समर्थन किया था, मगर जब बात NRC की आई तो उन्होंने अपना पाला ही बदल लिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना यह फैसला बिहार विधानसभा द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में सुनाया है।
तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर की टिप्पणी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी कसते हुए यह कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सके। जो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला सके वो कहां से बिहार को विशेष दर्जा दिलवा सकेंगे। तेजस्वी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने एनआरसी और सीए के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे आज। तीन मैचों के वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच 1:30 पर शुरू होगा। श्रीलंका के खिलाफ हुए टी20 सीरीज में आराम कर रहे रोहित शर्मा और शमी की सीरीज में आज वापसी होगी। साथ ही केदार जाधव भी टीम से जुड़ चुके हैं, जिससे भारतीय टीम काफी मजबूत दिख रही है। हालांकि आज देखना दिलचस्प होगा कि रोहित की वापसी के बाद केएल राहुल और शिखर धवन में से कौन रोहित शर्मा का सलामी जोड़ीदार होता है। आज के मैच की संभावित प्लेइंग 11 है। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। अब टीवी देखना हो सकता है और भी सस्ता। जी हां, आपने सही सुना, अब आप भी कम दरों में टीवी का लुफ्त उठा सकते हैं। और हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने केबल और डीटीएच यूजर्स को पेड चैनल्स की अधिकतम दरों को कम कर दिया है, जिससे कि 19 रुपए में मिलने वाला चैनल अब मात्र 12 रुपए में देखने को मिलेगा। ट्राई के इस ऐलान में अब किसी भी चैनल की अधिकतम दर 12 रुपए प्रति महीने ली जाएगी। पहले ये दरें 19 रुपए की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अजब गजब नुस्खे की ओर। अक्सर हम सब ठंड के मौसम में रूसी से बहुत ज्यादा ही परेशान रहते हैं, जिससे बालों का टूटना झड़ना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मगर आपको अब ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे सर्दियों के मौसम में बालों से रूसी हटाने के कुछ घरेलू उपाय के बारे में। सबसे पहले है नींबू। जिन भी लोगों को रूसी की समस्या है वो सप्ताह में 2 बार नींबू अपने बाल में लगभग 20 मिनट के लिए लगाए, उसके बाद इसे सामान्य पानी से धो ले। नींबू ना सिर्फ रूसी हटाने का काम करता है बल्कि बालों को भी शाइन देता है। दूसरा है मेथी। मेथी के सेवन से बालों को सभी तरह की समस्या दूर हो जाती है। मेथी दाने में मौजूद प्रोटीन बालों को स्वस्थ बनाए रखने में काफी कारगर साबित होता है। अनुष्का शर्मा अब महिला क्रिकेटर के अंदाज में आएंगी नजर। फिल्म जगत में खिलाड़ियों की जीवनी के ऊपर बनाए जा रहे फिल्मों के दौर में अब अनुष्का शर्मा का नाम भी जुड़ गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जल्द ही अनुष्का शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी का किरदार निभाने जा रही है, जिसके लिए अनुष्का इन दिनों भारतीय क्रिकेटर जेमी मा रोड्रिक्स के पिता इवान रोड्रिक्स और कोच प्रशांत शेट्टी से क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रही है। पिछले 1 साल से फिल्मी दुनिया से दूर चल रही अनुष्का इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आप मकर संक्रांति का त्यौहार किस तारीख को मना रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।